ये देखो भाई, यहाँ पे सातरी गिरनी पड़ती हैं, यहाँ से सातरी पड़ती हैं, और ट्रैक्टर की पीटीओ है इसके नीचे लगा हुआ है भाई, और ये पीटीओ तो गिरती है। इस मशीन के लिए 4x4 ट्रैक्टर कंपलसरी है भाई। यदि आपके एरिया में बालू मिट्टी है और यदि बालू मिट्टी के टिल्ले हैं, धरती समतल नहीं है, तो 4x4 ट्रैक्टर होना बहुत कंपलसरी है। डगडोली मशीन एंड एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त रविंद्र काजान, आज भाई आपको एक नई तरह की मशीन दिखाता हूं मैं। ये दोस्तों पुन्नी कंपनी का थ्रेसर है, थ्रेसर भी है और एक किस्म का मिनी कंबाइन भी कह सकते हैं भाई। और भाई इसको बैक टू बैक बोलते हैं वैसे। ये एक किस्म से थ्रेसर है भाई, और इसके ऊपर ये टैंक बना हुआ है जिसमें ये अपना अनाज को स्टोर कर लेती है। और भाई ये साथ के साथ इसमें ये गिर रहे हैं भाई सात थ्रेसरों की। ये जोड़ा है ये भाई खेत में, पताड़ी है इसको भाई, पताड़ी बोलते हैं इसको, जो सरसों का जो भूसा होता है उसको पताड़ी बोलते हैं भाई हमारे एरिया में। तो ये भाई साथ के साथ खेत में बिखरा हो रहा है ताकि इस बाग में खाद की पूर्ति हो जाएगी। और यदि इसको खेत में नहीं बिखेरना चाहते तो इसके पीछे ट्राली जुड़ती है और इसके अंदर एक इसके पीछे एक पाइप लगता है भाई, वो पाइप उस साइड में खोल के गिर रखा है भाई। तो अब ये खुला बिखराव कर रही है। इस मशीन के लिए 4x4 ट्रैक्टर कंपलसरी है भाई। यदि आपके एरिया में बालू मिट्टी है और यदि बालू मिट्टी के टिल्ले हैं, धरती समतल नहीं है, तो 4x4 ट्रैक्टर होना बहुत कंपलसरी है। तो भाई इसको बैक टू बैक बोलते हैं। यहाँ पे मार्का भी लगा हुआ है B2B थ्रेसर 19। तो एक बार चारों और इसका राउंड लेके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे क्या कार्रवाई होती है। ये देखो भाई, यहाँ पे सातरी गिरनी पड़ती हैं, यहाँ से सातरी पड़ती हैं, और ट्रैक्टर की पीटीओ है इसके नीचे लगा हुआ है भाई, और ये पीटीओ तो गिरती है। और भाई ये ट्रैक्टर दोस्तों सोनालिका कंपनी का, यहाँ पे इस बैक टू बैक में भाई कम से कम 6-7 लेबर होने चाहिए, 6-7 बंदे होने चाहिए लेबर के। लेकिन भाई जमींदार के हक में मामला सही है भाई, क्योंकि पताड़ी को बेचने की बजाय यदि खेत में बिखराव करवाते हैं दोस्तों, तो इसमें मतलब भाई उर्वरक शक्ति बढ़ती है। तो वैसे ये काफी लोग बेच देते हैं इस पताड़ी को, लेकिन भाई देखो ये काम है, ये सही है वैसे। अब ये जो बाग है इसमें मतलब DAP यूरिया का यूज कम करना पड़ेगा और ये ऑर्गेनिक हो जाएगा एक सिस्टम। और भाई ये हाइट की तरफ चढ़ रही है, शायद वीडियो में आप महसूस नहीं कर पा रहे हो कि कम से कम भी 30-40 फुट की हाइट है भाई ये इस साइड में। ये जो घर है ये हाइट पे बना हुआ है, टिब्बे ऊपर बना हुआ है भाई ये घर। तो हाइट की तरफ यदि चलाते हैं मशीन को और यदि 4x4 ट्रैक्टर नहीं है तो दोस्तों फिर परेशानी होती है, क्योंकि इसके पीछे जब ट्राली भी जोड़ता है जमींदार तो उस टाइम भाई देखो 4x4 के बगैर मजा नहीं आता। और समतल धरती में वैसे 4x4 यदि न भी हो तो भी काम चल सकता है भाई। तो भाई इस मशीन के बारे में यदि आपका कोई विचार हो
तो भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये ट्रैक्टर वाला, ये लिफ्ट वाला सिस्टम लगा रखा है भाई, ये हुक हो गया, इधर ये लिफ्ट हो गई और उधर वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि इन लिफ्टों को ऊपर नीचे करके और भी ट्रॉली को जोड़ सकते हैं। वैसे मशीन वाले मामले में भी भाई देखो, साइंस ने काफ़ी उन्नति कर रखी है, काफ़ी प्रकार के हार्वेस्टर तैयार हो चुके हैं, कोई मिनी, कोई बैक टू बैक, कई हार्वेस्टर ऐसे इंजन के ऊपर ट्रैक्टर कटता है, कोई सेल्फ ड्राइव इंजन से हैं भाई, तो बात बात की मशीनें तैयार कर दी हैं वैसे तकनीकी ने, जिसको जिस प्रकार की जरूरत हो वैसी मशीन तैयार है भाई। ये जो टैंक है दोस्तों, इसमें लगभग 10-11 क्विंटल तक इसमें स्टॉक हो जाता है भाई, सरसों का 10-11 क्विंटल तक स्टॉक होता है इसमें। और वैसे भाई लेबर के दो तो चार तो छह बंदे हैं, वैसे दो बंदे और होने चाहिए, कम से कम 8 बंदे होने चाहिए भाई, तब जाके बात बनती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।